बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अंग्रेज सरकार ने भारत से जाते जाते 14 अगस्त 1947 को भारत की जमीन को धर्म के आधार पर दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण लाखों लोगों को अपना वतन छोड़ना पड़ा और दंगों में हजारों लोगों की मौत हो गई। हजारों महिलाओं को दुष्कर्म का शिकार होना पड़ा। इस विभाजन की स्मृति को हमेशा याद रखने के लिए भारत सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय के आदेश पर बैंक ऑफ इंडिया भी 10 से 14 अगस्त तक विभिन्न बैंक शाखाओं में आयोजन करने जा रहा है। पहले दिन अरविंद नगर शाखा में विभाजन के समय हुए घटनाक्रम की पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वतंत्रता सेनानी परिवार से श्रीमती लीलाबाई और माधव कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर नलिनी रेवारीकर थी। इस अवसर पर अध्यक्षता बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर प्रभात कुमार सिन्हा ने की। कार्यक्रम का संचालन सीनियर ऑफिसर डॉक्टर पुनिया ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने विभाजन की यादों को ताजा करते हुए अपनी बात बैंक के ग्राहकों और उपस्थित श्रोताओं के सामने रखी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिसके स्लाइड्स हम देख रहे थे, ये सही है कि भयंकर विभीषिका थी। मुझे भी बहुत कुछ याद नहीं है, मैं 6-7 साल की रही होंगी। पिताजी कहते थे कि ब्लैकआउट एक भी मोमबत्ती देने चलेगी या 144 लगी बाहर नहीं निकलना कोई अर्थ नहीं समझ में आता था उस समय। आज की जनरेशन काफ़ी सजग है इस मामले में, उनके पास बहुत जानकारी है, बहुत सारी चीज़ें वो सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता था। इस कार्यक्रम में बैंक मैनेजर हेमंत श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में विभाजन को रेखांकित किया। मुकेश नीम ने आभार माना। मीडिया से चर्चा में जोनल मैनेजर प्रभात कुमार सिन्हा ने बताया कि विभाजन की स्मृति को याद करके हम युवा पीढ़ी को यह संदेश देना चाहते हैं कि अंग्रेजों से आजादी आसानी से नहीं मिली, इसके लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं कर रहा है, केंद्र एवं राज्य सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि आप जो विभाजन की जो विभीषिका थी उसके बारे में जो भी हमारे पास स्लाइड्स हैं, जो भी हमारे पास मटेरियल्स भेजे गए हैं, उसको उनके साथ साझा करें, उनमें ये भावना जागृत करें कि जो उस समय बर्बरता झेली गई थी, जो हमारे पूर्वजों ने झेला था, जिस परिस्थिति का उन्होंने सामना किया था, उसको याद रखें और एक मजबूत भारत के लिए, एक मजबूत राष्ट्र के लिए, एक विकासशील राष्ट्र के लिए अपनी भूमिका को सशक्त करें और लोगों को भी समझाएं, लोगों को भी अपने साथ जोड़ें, सो दैट कि जब कारवां बनेगा, जो कारवां बनेगा तभी हमारे देश की प्रगति होगी। इसमें युवा वर्ग की बहुत ही महती भूमिका है। अब हमारे बैंक की बात करते हैं, बैंकों को भी ये महती जिम्मेवारी दी गई है और बहुत सारे बैंकों को दी गई है। उज्जैन में हमारे बैंकों को बताया गया कि आपको किसी एक शाखा में करना है। हमने अरविंद नगर शाखा का चयन किया था कि भाई ये थॉरोफेयर के ठीक सामने है, नगर डिगर के ठीक सामने है, क्योंकि ये बारिश के कारण हमारी थोड़ी व्यवधान यहाँ हो गई है। अदरवाइज़ हमारा ये था प्रयास कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार करें और हमने इस अवसर पे जो समाज के जो लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो हमारी एक ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, यहाँ की एक ऐसी महिला जो कि 1970 में ही भारत के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD किया था और इस तरीके के जो व्यक्ति गणमान्य व्यक्तिगण हैं उनको यहाँ बुलाया है, उनके भी सुझाव, उनके भी जो एक्सपीरियंस है उनको साझा किया है और हमें पूरा यकीन है कि इससे हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही सीख लेगी और जो हमारे भारत सरकार का, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य